तारी है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई और किस तरह से उनकी इसके लिए की जाएगी, क्या कुछ रहेगी व्यवस्था? जोधपुर में जो पहली ट्रेन आ रही है उसके लिए सभी विभागों से समन्वय मीटिंग का आज मॉर्निंग में आयोजन किया गया था और उसी को मूर्त रूप देने के लिए आज प्लेटफॉर्म पे सभी ऑफिसर्स को बुलाया गया। कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कहाँ कहाँ लगाना है, उनके बारे में एक प्रारंभिक चर्चा की गई है और अभी हम उसका फील्ड पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसके लिए अभी से काम करना चालू करेंगे। इसमें हमने जिलेवार लिस्ट तैयार कर ली है किस जिले के कितने यात्री जोधपुर पहुँचने वाले हैं और प्रायोरिटी जिलेवार ही होगी। जैसे मैं कल की ट्रेन के लिए बता देना चाहूँ, सबसे ज़्यादा यात्री नागौर जिले के हैं तो सबसे पहले नागौर जिले के यात्रियों को सभी कोच से उतारा जाएगा। स्क्रीनिंग के लिए हमारी 10 टीमें होंगी, वो उनको स्क्रीन करेगी। नगर निगम की तरफ से उनको डिसेनेटाइज प्लेटफॉर्म भी किया जाएगा और शिक्षा विभाग की ओर से उनकी लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद में उनको फूड पैकेट बाहर दिए जाएंगे और बाहर से वो निकलेंगे तो वहाँ उनको रोडवेज बस में बैठा के जिलेवार रवाना किया जाएगा। सर आज डेमो भी किया जाएगा इसका एक बार, किस तरह से? एक बार क्योंकि कल हमें इसका पूरा एग्जीक्यूशन करना है तो हम चाह रहे हैं किसी प्रकार की कमी नहीं हो उसमें, इसलिए पहले ही हम डेमो की तैयारी करेंगे और आज शाम में लगभग 6 बजे हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूशन हो ताकि हमारे रिसोर्सेज की हम बेटर प्लानिंग करें और शाम को जो भी हमें कमी नजर आएगी तो रात भर में उसको दुरुस्त करके कल सुबह उस व्यवस्था को और भी स्मूथ। लगभग कितने यात्री हैं अभी तक, क्या हिसाब है? लगभग 1350 के लगभग यात्री हैं और उसकी जो एग्जैक्ट डिटेल है वो हम प्लान कर रहे हैं और वो अभी सारी टीम्स को शेयर भी करें। ट्रेनों का चलना जो था बंद था और एमरजेंसी केसेस के अंदर जो है वो ट्रेनें चालू हुई और ये ट्रायल के हिसाब से और अब आने वाले समय के अंदर जो है ट्रेनें जल्दी शुरू हुई ऐसा प्रतीत होता है। सैंपल ट्रेन जो है वो भी आई है और इसके बाद जो है कल मॉर्निंग में जो है कुछ लोग जो हैं इस ट्रेन से आएंगे तो अभी ये टेस्टिंग चल रही है। उसके अलावा पहले से जो प्री अरेंजमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, ये आप देखें सैनिटाइज किया रहा है, ये एक ट्रायल चल रहा है, प्री एक्सरसाइज चल रही है। पुलिस तैनात है, प्री एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। सारी पूरी व्यवस्था जो है की जा रही है, कल मॉर्निंग में आएंगे सर, पूरी व्यवस्था जो है की जा रही है नहीं अभी नॉर्मल एक जो जल्द जो एक्सरसाइज की जा रही है नॉर्मल जी तेलंगाना ट्रेन आ रही है। हाँ 1500 यात्री जी जी व्यवस्था की जाएगी और इसमें पूरा सैनिटाइज हुआ है। अभी जो एक्सरसाइज चल रही है जो ये ट्रेन आई कहाँ से आई है, ये ट्रेन कहाँ से, ये मॉन्ट्रियल कहाँ से, अभी कहाँ तक चेक करा है हैं और ये कहाँ से रूट तक चेक करी गई, जैसे अभी बताया फलौदी से आई है। अच्छा रेलवे बता रहे हैं कि यहाँ जो चेक करें भी अधिकारी मौजूद हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर निगम के अधिकारी जो हैं
व्यवस्थाएं जो चेक करा, तेलंगाना से जो ट्रेन आ रही है 1400 लोगों को लेकर के, उसके लिए जो है पूरी चेकअप जो है वो प्री एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। पूरी टीम जो है व्यवस्थाओं को चेक करके जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जा रहे हैं। क्रम वाइज जो है उतारा जाएगा ऐसा बता दें। सैनिटाइजेशन व्यवस्था से लेकर के पुलिस की टीम, मेडिकल की टीम, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग कर देंगे तो उनको क्या है कि ए बी सी डी जो भी होगा करीब 6 पन्ने होंगे तो करीब तो भी होगी तो उसमें देख लेगा कि एस का है क्या नाम है गरीब भाई क्या उसका है। यहाँ से वो जैसे ही निकलेगा वन बाई वन ही निकलते रहेंगे, बाहर पाली की 6-7 बस खड़ी हुई होगी, जैसे ही 30 यात्री होंगे वो बस तो खाली खड़ी
खाली खड़ी करेंगे बस बस थर्टी की बजाय थर्टी की बजाय रवाना हो जाए। नहीं नहीं मतलब दो या तीन आप रखने हैं पहले उसके बाद फिर बाकी सिक्स बस खड़ी होगी तो खाली खड़ी कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं। पाली जिले के लिए छः बस चाहिए छः अपने आराम से थ्री लेयर है तो वन टू वन टू इन लाइन है ना महाराष्ट्र वहाँ पर कोई गाइड करने वाला होगा वहाँ होगा अपना वहाँ डिटेल गाड़ी के अपने फोन को गाइड करेगा और यही बीच में जो हर पैसेंजर होगा उसको अपन चलेंगे एक पास चलेंगे कि ये बस नंबर ही है इसमें जाके बैठो जैसे ही उसके आगे को सर चेक करेंगे कि कहाँ से वो एक्चुअली नागौर जाना चाहता है तो नागौर अपन ने वो तो यही पाली के नाम पे तो हम लोगों ने अनाउंस कर दिया कि अपन ने पाली को उतारा हां पाली अंदर बैठे हुए हां पाली की स्क्रीनिंग होगी पाली तो बाहर जो जा रहा है पाली के लिए जा रहा है पाली के लिए एक सर्विस खड़ी हुई है जो पाली ही जाएगी पाली में पहली बस भरी 30 जनों की उससे पहले उस बस में नगर निगम की तरफ से हम उनके खाने के 30 एमएम कैपेसिटी बता रहा 30 फूड पैकेट 30 वाटर बॉटल और सैनिटाइजर उस बस में हम रखवा देंगे वो 30 लेकर उन सीधा रवाना होंगे नेक्स्ट 30 वो भी रवाना होगा। इस तरीके से ये पाली क्लियर होते ही यहाँ की जो रिपोर्टिंग है हाँ टीचर वगैरह तो रिपोर्ट करेंगे ये लिस्ट अपने कंट्रोल रूम में चली जाएगी इसको ऑनलाइन करवा के बसें तो प्रोसीड कर रही है ऑनलाइन करवा के यहाँ से मेल कलेक्टर को चला जाएगी तो नागौर कलेक्टर को पता लग जाएगा कि मेरे यहाँ दो स्कूल ने मेरे यहाँ से ये 180 लोग निकाल दिए और इंडियन तहसील के इतने लोग तो वो मीन वाइज बस पहुँचेंगे तब तक एक्सरसाइज करेंगे वो अपने प्लान के साथ रेडी होगा कि ये बाकी 27 जिलों को अपने उनके सेफ फॉर्मेट के कारण उनको इंजीनियर से भेजेंगे कि उनके कौन से तहसील पर कौन करना और उस बंदे से पहले वेरीफाई करेंगे। छः नागौर के होगी मीन वाइज अपन थोड़ा स्क्रीनिंग यहाँ स्लो कर देंगे जैसे ही नागौर क्लियर होता है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा तीन डिस्ट्रिक्ट निकलने के बाद में फिर 30-40 तो क्यों छोटे होते चले जाएगी फिर उनको फटाफट निकालने में कोई दिक्कत नहीं तो ये हो जाएगा। अंदर इसमें अपन किसी को अलाउ करेंगे नहीं सिर्फ आपके आरपीएफ के जवान होंगे और ये एक टेबल ये एक टेबल वो वहाँ नगर निगम का स्टाफ होगा सर जो डिसेनेटाइजिंग को वर्क करेगा सिमिलरली उस साइड भी ये टेबल है और यहाँ भी ये टेबल इसमें किसी के अंदर अपन अलाउ करेंगे नहीं किसी बंदे की भी नहीं करेंगे यहाँ ये एजुकेशन का स्टाफ होगा इससे सिर्फ मेडिकल का होगा और ये इनके लिए गोले बना दिए एक एक यहाँ खड़ा होगा ये अपना देव बता दें यहाँ जो खड़ा होगा उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी और जैसे जैसे यहाँ से निकलते जाएंगे ये जो रो है ये आगे आती है ये वाला गोले वाला रहता है जैसे तो वो अपनी विजिबिलिटी में भी रह गए कहीं पर भीड़ हो नहीं है दूरी तो वो कंट्रोल में रहता है ऐसे स्कूल ये सारे समझेंगे। एजुकेशन से कौन है आप आगे ना हाँ आप कितने रंग रोटी लगेगी 60% वो अपन जो सीए होंगे टाइप कर लेंगे और ये गेट पे एक बंदा आपका हो गया आपको उनको वहाँ से दिखा देंगे क्योंकि प्राइवेट आदमी को एंट्री नहीं करना यहाँ पे बैठना है मेडिकल में फिर वो एक सुबह जो मंडा जी ये पॉइंट ऑफ वर्क है ये येलो है ना ये मैं 10 का एंट्रल तो 10 कर लेते कमल वाला रेंज वहाँ पर वर्ग रहोगे ये 10 अपने काउंटर है ये लोकेशन में यानी कि इससे जस्ट जो पहले वाला सर्कल है यहाँ अपना बंदा जाएगा तो ये सिमिलरली अपने 10 लेंस है तो वो स्क्रीन पर देगा उनका यहीं पे स्टॉप पे एक हां हर टेबल के ऑर्डर पे खड़े हैं देखो नेक्स्ट है एक लाइन होगी अंदर वो सेकंड लाइन रजिस्ट्रेशन हॉल थर्ड ये सारी लेन है एक तो ये लाइन में आते जाएंगे और यहाँ ये 10 काउंटर होगा ये निकलते जाएंगे तो ये 10 जने होंगे तो जैसे ही कुछ बोले में आया यहाँ पे आया उसको चेक किया वो निकलेगा आगे उसको खाना वगैरह मिल जाएगा आगे बस सर बैठे हो उसकी पोजिशन ये
पूरी व्यवस्थाओं को जो है वो जांचा जा रहा है, आप देखें। और ये जोधपुर स्टेशन जो है हम लोग मौजूद हैं। कल जो तेलंगाना से ट्रेन आने वाली है उसी ट्रेन के लिए जो है पूरी, जिसमें 1400 के आसपास बताए जा रहे हैं यात्री हैं, और उनकी जो है टीम, उनको जो है किस तरह से उतारा जाएगा, उनको कैसे भेजा जाएगा, इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो डिस्कस हो रही है। मेडिकल टीम से लेकर के पुलिस टीम, और व्यवस्थाओं से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के कैसे जो है वो सैनिटाइजेशन होगा, जिसे आप देख सकते हैं ब्लॉक्स बने हुए बीच बीच में, कैसे कितनी बसेज लगेंगी, कितनों को भेजा जाएगा, वो सारी डिटेल जो है वो डिस्कस हो रही है। पुलिस की व्यवस्था कैसे रहेगी, कैसे लोगों को उतारा जाएगा, कैसे उनको चेक किया जाएगा, कैसे उनको सैनिटाइज किया जाएगा, कैसे उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ये अधिकारी जो है वो सब डिस्कस कर रहे हैं। व्यवस्थाओं का पूरा इंतजाम जो है कल मॉर्निंग से पहले जो है ये प्री एक्सरसाइज जो है चल रही है। मेरी बात सुन, कल देखना है।